अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि जी मेरी यूट्यूब फैमिली फिट फाट होगी, अपने घरों में खुश आबाद होंगी जी। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे जी, आमीन और सुमा आमीन। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे जी। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ, हालांकि ये मेरी जो वीडियो है वो अपलोड नहीं हुई थी, बाकी मेरे मोबाइल में पड़ी हुई थी, मेरे लैपटॉप में पड़ी हुई थी, बट अपलोड नहीं हो पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने पोस्ट भी शेयर की थी तो बस उसी के रहते मेरे लिए ये बड़ा मसला बन गया जी। तो उसके लिए जो लोग मेरा ब्लॉग का वेट कर रहे थे उनसे आपसे मैं सॉरी कहती हूँ, और आज का अपना ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो काइंडली अगर आपको मेरी वीडियो ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। थैंक यू सो मच जी। यहाँ पे मैंने अपना खाना शाना डन कर लिया है, तो ये मैं अब रोज़ाना नहीं बताया करूँगी तो मैंने ये बनाया है, बस वीडियो एडिट कर दिया करूँगी तो दैट्स इट। क्योंकि मैंने सोचा है कि इस पीरियड में जो 5-6 मिनट की वीडियो होती है या 7-8 मिनट की, उसमें आपके साथ भी कोई गपशप लगाई जाए, आपसे कुछ पूछा जाए, आपको अपने बारे में कुछ बताया जाए। तो बस अभी जी मैं कपड़े वॉश कर रही थी तो मैंने कहा चले जी आज बेडशीट वगैरह चेंज की थी, तो मैंने सोचा चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस कपड़े शपड़े मैं वॉश करती हूँ, तो क्योंकि आज सारा दिन मुझे काम बहुत ज़्यादा है, मैंने किसी काम के सिलसिले में बाहर भी जाना है। तो बस अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बच्चे कार्टून देख रहे हैं तो उसकी भी थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी, तो उसको काइंडली इग्नोर कीजिएगा। बच्चे हैं मतलब उनकी एज ऐसी होती है कि हम कह देते हैं कि जी हमसे बर्दाश्त नहीं होते बच्चे, ये है वो है, हालाँकि बच्चे यही कुछ करते हैं, शरारतें भी करते हैं, तंग भी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह ताला का। तो यहाँ जी कपड़े मेरे सारे वॉश हो गए थे, तकरीबन लगभग 2 बजे का टाइम था, तकरीबन 2 बजे का जी, तो मैं फ्री हो गई थी। फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि खाना शाना भी बनाया था और कपड़े शपड़े भी वॉश किए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। थक जाने के बाद मेरे पास कुछ चीज़ें पड़ी थी जो मैं लाई थी, उनकी वीडियो भी मैं बनानी थी लेकिन बन ही नहीं रही थी, टाइम ही नहीं मिलता। तो सर्दियों में, इन सर्दियों में ना मुझे टाइम का बहुत ज़्यादा इशू रहा है, तो मतलब दिन बहुत ज़्यादा छोटे थे। तो जी यहाँ पे मैं लाई थी अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा काजू और पिस्ता और ड्राई फ्रूट्स, सर्दियों की ये आइटम है और सर्दियों में खाने भी चाहिए और अच्छे भी लगते हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा सा ही मैं लेकर आई थी। तो जी इनमें से मैंने कुछ चीज़ें अपने सास ससुर को भी दी हैं और कुछ चीज़ें मैंने खुद रख ली हैं जी। तो काजू पिस्ता बच्चे दोनों शौक से खाते हैं तो मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को नहलाना होता है तो उसके बाद ये बड़ा अच्छा रहता है खिलाने में और खाने में भी, क्योंकि जिस दिन मैं भी शॉवर वगैरह लेती हूँ तो मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ इनको, काजू और पिस्ता को, और बच्चों को भी देती हूँ लाजमी। तो उसके बाद जी काजू और पिस्ता दिखा रही थी आप लोगों को, और बड़ी अच्छी क्वालिटी का मैं लेकर आई थी, बड़े अच्छे ब्रांड से। तो अभी चलें जी इसको मैं रखती हूँ और फिर आपको मैं बताती हूँ कि आज मैं और हस्बैंड कहाँ गए थे। और जी ये है जी कुछ चीज़ें जो मैं और मेरे हस्बैंड लेकर आए थे बच्चों के लिए और अपने लिए। तो ये हैं जी, हम दोनों गए थे ग्रीन वैली, तो वहाँ लगी हुई थी डिस्काउंट। तो ये है जी कुछ चिकन रोल हैं, पैटिस हैं, तो ये डिस्काउंट में थे तो फिर हमने कुछ ज़्यादा ले लिए, तो मतलब 1-2 दिन चल गए थे। तो बस ये थी आज की मेरी वीडियो, ये डिस्काउंट में थे, बाय वन गेट वन आई थिंक था इसका कुछ, तो मुझे एग्जैक्ट अच्छे से याद नहीं है अब क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं ये ब्लॉग एडिट वगैरह कर रही हूँ। तो ये है जी पैटिस और चिकन रोल, ये हम लेकर आए हुए थे वहाँ से ग्रीन वैली जी, क्योंकि वहाँ लगी थी डिस्काउंट तो फिर हमने सोचा कि चलें जी ले लेते हैं और थोड़ा सा इंजॉय हो जाएगा रात को,
और बच्चे भी खा लेंगे और सब खा लेते हैं अच्छे से शौक से। तो आज की मेरी वीडियो यही है बस। तो अगेन आपसे वही रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आप को मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।